नमस्कार, मैं हूँ जिसान और आप देख रहे अच्छी ज्ञान। दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता है। कुमार अपने दौर के बेहतरीन सुपरस्टार माने जाते हैं। गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है और सत्यजीत राय ने भी उन्हें द अल्टीमेट मेथड एक्टर का दर्जा दिया है। दिलीप कुमार जी एक प्रतिष्ठित अभिनेता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक तक योगदान दिया। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्मभूषण, पद्मविभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वह वर्ष 2000 में वे भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। दिलीप कुमार के शुरुआती जीवन। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर के किस्सा खवानी बाजार में हुआ था, जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था। वे एक धनी और फलों के व्यापारी थे जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे और मां का नाम आयशा बेगम था। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई में आकर बस गया। उनके पिता ने पेशावर और दौलाली महाराष्ट्र भारत में बगीचा भी खरीदा था। उनकी शुरुआती जीवन तंगहली में गुजरा। 1940 के आसपास जब वे किशोर थे और अपने पिता के परिवर्तन के बाद दिलीप कुमार ने अपने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ईरानियो कैफे के मालिक की सहायता से कुमार एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर ताज मोहम्मद शाह से मिले, जो पेशावर के समय से ही उनके पिता के करीबी थे। अपने परिवार के बारे में बताने से पहले ही उन्हें अपने ज्ञान और अच्छी इंग्लिश बोलने की वजह से वहां जॉब मिल गई। वे कैंटीन में काम करने लगे थे। यहीं देविका रानी की पहली नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा, जिसके बाद 1944 में उन्हें ज्वारभाटा फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिला। इसे दिलीप कुमार जी की पहली फिल्म माना गया। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर वन अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दिलीप कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के नज़दीक देवलाली के प्रेस्टिजियस बोर्नेस स्कूल से ग्रहण की थी। दिलीप कुमार का फिल्मी करियर। दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वारभाटा से की थी। हालांकि यह फिल्म उतना सफल नहीं रही। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। यह फिल्म एक हिट साबित हुई। दीदार 1951 और देवदास 1955 जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगले आजम 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होता है। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय उनकी प्रमुख फिल्में थी क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वे आज भी प्रमुख अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान के प्रेरणा के स्रोत हैं। 1996 में दिलीप कुमार जी ने निर्देशक के रूप में हाथ आजमाना चाहा और कलिंगा नाम के फिल्म बनाने लगे, पर किसी कारणवश यह फिल्म बंद हो गई। दिलीप कुमार का लव अफेयर और शादी। दिलीप कुमार की लव लाइफ की बात की जाए तो
दिलीप कुमार सबसे पहले अभिनेत्री कामिनी कौशल से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप दिलीप कुमार को बाद में अभिनेत्री मधुबाला से प्यार हुआ, लेकिन दोनों के परिवारों ने उनका विरोध किया। बाद में फिल्मी जानकारों ने वैजयंती माला को दिलीप कुमार का तीसरा प्यार बताया। दोनों ने ही अपने करियर में 1955 से 1968 के दरमियान काफ़ी सफल फिल्में दी, लेकिन अंततः 1966 में दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से शादी कर ली, जो उस समय उनसे 22 साल छोटी थी। दिलीप कुमार ने 1980 में आसमा से दूसरी शादी भी की थी, लेकिन उनकी यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी और दोनों अलग हो गए। सायरा बानो के मुताबिक दिलीप कुमार को वह तब से चाहती थी जब वह केवल 12 साल की थी। 1952 में रिलीज हुई दाग में दिलीप कुमार को देखने के बाद वे अपना दिल दे बैठी। वहीं दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सायरा बानो से तब प्यार हुआ जब वो उनकी बर्थडे पार्टी में गए थे। सम्मान और पुरस्कार। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा और महान कलाकार कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड जीते और यह खुद में ही एक रिकॉर्ड है। अपने करियर में उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिनमें 8 बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड और 19 फिल्म फेयर नॉमिनेशन शामिल है। 1933 में उन्हें अपनी फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 1980 में उन्हें सम्मानित करने के लिए मुंबई का शेरिफ घोषित किया गया। 1995 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1997 में उन्हें NTR नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित किया था। 1998 में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज भी प्रदान किया गया। 2009 में सई इब्न ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया था और 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार को इन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। 1954 में फिल्म दाग के लिए, 1956 में फिल्म आज़ाद के लिए, 1957 में फिल्म देवदास के लिए, 1958 में नया दौर के लिए, 1961 में फिल्म कोहिनूर के लिए, 1965 में फिल्म लीडर के लिए, 1968 में फिल्म राम और श्याम के लिए और 1983 में फिल्म शक्ति के लिए। दिलीप कुमार की निजी जीवन। दिलीप कुमार जितने बड़े स्टार हैं उससे कहीं ज़्यादा खुले दिल के इंसान हैं। सन 2000 में दिलीप कुमार जी संसद के सदस्य बन गए। वे एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है जो हमेशा ज़रूरतमंद की मदद के लिए आगे रहते हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और भारत के लोगों को जोड़ना चाहते थे। दिलीप कुमार द्वारा भारतीय फिल्म दिया गया उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और हमारी भी दुआ है कि वह हमेशा स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, ये रही दिलीप कुमार की जीवनी। वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए अच्छी ज्ञान .com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।